सत श्री अकाल दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे पिछले दिनों नासिक में जो काइन एग्जीबिशन लगा था रेयर फेयर 2020, उसमें हमने मीट एंड ग्रीट का भी आयोजन किया था और हमसे मिलने काफी दूर दूर से कई लोग आए थे। उन्हीं सब लोगों से मुलाकात की थी और उनसे क्या क्या बातें की थी, आइए देखते हैं इस वीडियो में। क्या शुभ नाम आपका? नारायण भगवान कदम। कहाँ से आए? सतारा। सतारा से। हाँ, आप क्या करना चाहते हैं? वो मेरे को ये देने का है। ये देने का है? तो आपने मेरे वीडियो देखे? हाँ देखे, वीडियो देखा, इसलिए मैं इतना लंबा आया है। कहाँ से आए आप? सतारा कितना बहुत दूर है ना? हाँ बहुत दूर है। ये सारे सिक्के आए कहाँ से आपके पास? वो पहले से आए थे, तो वो एक संस्था है ना, आना था अपन मुतिमन मुलांसाठी में जमून ठेवतो दाखवण्यासाठी लोकांना। असली की नकली? हाँ वो बता रहा हूँ मैं। ये असली नोट है। हाँ, आपके कलेक्शन में मेरी तरफ से एक छोटी सी गिफ्ट। थैंक यू, थैंक यू। इसको मोड़िए मत, नहीं सीधा सीधा रखिए। जो भी व्यक्ति हैं, अगर कोई भी वैल्यूएबल सिक्का है उसको पता है तो वो कृपया अलग करके लाइए। तो यूज कंडीशन के अगर नॉर्मल सिक्के होंगे तो वो अभी नहीं देख पाए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। वो भाई साहब लाइन में लगे हैं। वो कहाँ से आए? थोड़ा सा कुवैत से आए हैं और एक घंटे से खड़े हैं वो। तो उसके बाद में भी देखो, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया है ना, कि सब जने लाइन में आ जाओ, क्योंकि मेरी भी जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति मेरे से इतनी दूर से मिलने आया तो थोड़ी व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना अपने। आप सब जो इतने प्यार से खड़े हैं, आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, आपका शुभ नाम? किशोर शिंदे। कहाँ से आए? औरंगाबाद। औरंगाबाद से आए। क्या लाए हैं आप? ये कॉइन लाया हूँ जी। ये बताने की ये गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन लाए हैं। कहाँ से आए सर आपके पास? इसका मेटल थोड़ा मेरे को चेंज लग रहा है। नहीं, वो एक्चुअली क्या साफ किया है एसिड से। हाँ हाँ, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है वो। अरे ये सब आप इतने अच्छे अच्छे सिक्के कहाँ से ले आए? जमा करता सर जी। कब से? मैं अभी तुम्हारे वीडियो देख देख के 2 साल से जमा कर रहा हूँ। क्या बात है। और ये डब्बियाँ भी बहुत अच्छी है आपकी, कहाँ से ली? मंगा लिया भाई। कहाँ से? अमेजोन से। अमेजोन से मंगाया। क्या भाव मिली वहाँ पे? वो 700 रुपये में 100 पैकेट का। 100? अच्छा, 100 पैकेट 700 रुपये? 700 रुपये में ये 100 मिले बंडल। 100 तो मतलब एक डब्बी 7 रुपये की। हाँ अच्छी है बहुत। देखो क्या रहता है, रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं। कोई सिक्का कल तक 15,000 का था, आज ऑक्शन में वो 1,80,000 में बिक रहा है। तो मैं ऐसा चाहूँगा कि मैं 4 जगह आपका ये सिक्का दिखाऊँ, जो सबसे ज़्यादा रेट देगा आपको बताऊँगा कि ये कितना दे रहा है। आपकी इच्छा हो आप बेचना, आपकी इच्छा नहीं हो उसको संभाल के रखोगे आगे जाके और बढ़ेगा, क्योंकि जो वैल्यूएबल और एंटिक सिक्के हैं उनकी कीमत कभी डाउन होगी ही नहीं। आप मेरे वीडियो देखो, कुलकर्णी साहब का एक वीडियो देखना, उसमें उन्होंने वो सिक्के के बारे में बताया है कि जो सिक्का करीब 15 साल पहले 15,000 का था, आज 1 करोड़ रुपए का। बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं वो। तो ऐसे सिक्के जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, बहुत ज़्यादा एंटिक होते हैं, उनकी वैल्यू और दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती है। तो आपके सारे सिक्के अच्छे हैं, ठीक है। मुझे अच्छा लगा आपके सिक्के देख के। बाकी डिस्कस करना है अपने को ज़्यादा डिटेल में, तो अपन ब्रेक में करेंगे, ठीक है। मेरी 5 बजे गाड़ी है ज़रा, उसके पहले कर लेंगे अपन। सर आपसे मिलकर सर पहले खुशी हुई। हाँ, पहले तो आपका नाम पता और परिचय। मेरा नाम रिपुल पटेल है जी। ये मेरे फादर है। अच्छा अच्छा। और मैं सूरत से प्रणाम करता हूँ सर आपको। सूरत गुजरात से हम जी जी। और अभी नेक्स्ट अपना लास्ट जो ये था चंडीगढ़ का। हाँ हाँ सॉरी, तब से वो वहाँ आने का बहुत ट्राई किया लेकिन आ नहीं पाया था जी। तो उसके तकरीबन 15 दिन पहले ही मुझे ये आपका मैंने वीडियो देखा, तो तब से मेरे एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे कॉइन्स थे ही जी, तो जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब से उसका शौक हो गया है। हाँ, कि हम इसको करेंगे। और मैंने एल्बम भी बनाया हुआ जी, है जी। जो जितना हो सके उतना भी रेडी किया और परफेक्टली बात नहीं कर सकता हूँ सर, मिंट वाइज में किया हुआ है जी। और एवरी ईयर के हिसाब के किया हुआ है, साल के हिसाब से जो है। आप इसके फोल्डर भी ले लीजिए। हाँ जी सर, अंदर जी जी फोल्डर। हाँ, तो फोल्डर में ये क्या सिक्के गिरेंगे नहीं? हाँ यस यस।
अच्छे सिक्के भी हैं आपके इसमें? और इसमें सर मेरे पास अभी 200 सिक्के हैं, टोटली 200 सिक्के पड़े हैं। और एक्चुअली क्या कलेक्शन का जितना है उतना हो गया, बाकी का जो है ज़्यादा उसको मैं अभी सेल करना चाहूँ तो अभी आपके जो भी नॉलेज है वो थोड़ा कम है। हाँ जी, जब थोड़ा ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा तब आप उसको अच्छी कीमत पे बेच पाएंगे। अभी तो कोई भी आपका कम नॉलेज होने की वजह से आपको ठग लेगा। सही बात है सर, है ना। मान लो आपके पास कोई 100 सिक्कों का ढेर है, अब उसमें एक ही सिक्का अच्छा है जिसकी कीमत है 10,000 रुपये, बराबर, और आपके लिए तो वो 100 सिक्के की यार कितने दे रहे हो, बराबर। अब जो पारखी है उसकी नज़र उस एक सिक्के पे पड़ गई, एक सिक्के पे है ना, बाकी सब तो वो बोलेगा कोई बात नहीं, लेकिन वो एक सिक्का जो है वही 10,000 रुपये का, तो आपको बोलेगा ठीक है 100 सिक्के के 1,000 रुपये दे देता हूँ। आप भी खुश, यार कोई ले ही नहीं रहा था, उसने 1,000 रुपये दे दिए। सही बात है। तो अभी मत बेचो, थोड़ा और ज्ञान हासिल करो, क्या फर्क पड़ जाएगा अभी नहीं, बेचोगे, दो साल बाद बेचोगे? नहीं सर, अभी तो मुझे शौक है, इसलिए मैंने तो अपना नेक्स्ट जो अपना है नागपुर में उसका भी टिकट बुक करा है, वहाँ पर भी हम मिलेंगे जरूर जरूर। उसमें सर ये एक जो है इसकी बात कर रहा हूँ 1939 का सर, डुप्लीकेट है वो, ये सारे के सारे डुप्लीकेट। यस सर, ये 1939 के देखो आप, अलग अलग तरह के सिक्के। हाँ हाँ, वही मैं देख रहा था। और एक्चुअली मैंने आपका वो जो था अपना फाल्कन गैलरी में, मैंने उसको ये करके व्हाट्सएप पे भेजा ही था। हाँ। दोनों भी भेजा था। हाँ। तो उन्होंने बोला ये कोई सही नहीं है। हाँ। मतलब वो फेंक ही है। हाँ। एक्चुअली मैंने आपके वीडियो से ही जान लिया था कि ये फेंक ही है, फिर भी हाँ। मैं खाली बताने के दिखाने के लिए रहा कि आप इसका क्या सजेशन दे रहा। और एक चीज़ मैं आपसे और बता दूँ कि जब भी आप सिक्के या नोट कहीं पर भी बेचने जाते हैं तो आप कम से कम इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि उस सिक्कों या नोटों में कोई भी फेक कॉइन नहीं हो। क्योंकि यदि आपके कलेक्शन में, जैसे मान लो ये कलेक्शन है, इसमें 10 सिक्के अगर फेंक हैं और 990 सिक्के ओरिजिनल हैं, तो मेरी निगाह अगर फेंक पे पड़ेगी तो मैं बाकी सिक्कों पे भी इंटरेस्ट मेरा कम नहीं रहेगा कि हो सकता है यार बाकी भी फेंक हो। तो यदि आपको पता पड़ जाता है कि आपके कलेक्शन में कोई फेक कॉइन है तो उसको एकदम अलग कर दीजिए। जी सर, आप चाहें तो उसका एक अलग से एल्बम बनाइए कि ये फेक कॉइन का एल्बम है, और उस एल्बम को जब दिखाएंगे तब आपके एल्बम की वैल्यू बढ़ेगी कि देखो ये फेक कॉइन इतनी इतनी तरह के आते थे और वो सारे मेरे पास हैं। जी सर, तो जो सिक्का फेंकने वाला था वो सिक्का भी वैल्यूबल हो जाता है। बराबर, अच्छा लगा सर आपके मिलके। आपके कुछ विचार रखिए, आप कब से कलेक्शन कर रहे हैं? तो कई साल हो गए। मेरे वीडियो वगैरह देखे आपने क्या? मैं उनको ये करता हूँ पोस्ट, इनके मोबाइल पर करता हूँ, ये अपने आप देख लेते हैं टाइम दे के। अच्छा लगता है आपको? आप अंदर एग्जीबिशन और अच्छे से देखिए। जी सर, ये लीजिए सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे मिलकर ज़्यादा खुशी, मुझे भी बहुत खुशी है सर। पहले इंट्रोडक्शन? हाँ, पहले इंट्रोडक्शन दीजिए सर आपका। मैं अर्जुन ताउन का आपको सबसे बड़ा फैन हूँ, सबसे नहीं। कहाँ से हैं आप? राजेंद्र राम पुष्परा के डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर एमपी। अच्छा, एमपी से आए हैं आप? मध्य प्रदेश। थैंक यू। स्पेशली आपका वीडियो देखने के बाद ही मैं यहाँ ने एक प्रोग्राम बनाया, तो मेरे घर में मम्मी को भी दिखाता हूँ आपका वीडियो। पहली बात तो ये जो विक्टोरिया में इसके सारी कलेक्शन है सर, इनको आप एल्बम में बनाइए ना सर। एल्बम बनाऊंगा मैं, सिर्फ अभी आपको एल्बम अभी लूँगा, उसके बाद बना पाऊँगा। एल्बम में लगाइए और एक सिक्का अलग अलग फोल्डर में लगाइए। जी, है ना। तो जिसमें क्या होगा, जो आपके अवेलेबल सिक्के हैं, एक पिन का ही है, ये जिसे पाए छठवें राजे की है। तो ये सारे जितने भी सिक्के हैं सब छठवें राजे की। अच्छा, हाँ। तो ये अपने माइंड में अलग अलग थीम आती है ऐसी। जी जी, कि जैसे मान लो गांधी सीरीज के 50 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपये का नोट, जितने निकले उसका एक बनाओ सीरीज। बराबर, जैसे आपने छठवें राजा के बनाया। जी, तो ऐसा सेट अभी तक किसी के दिमाग में नहीं आया मान लो। अभी मैं पांचवें राजा की दिखाऊंगा। हाँ, तो वो बनाइए आप, बहुत अच्छा है। सातवें राजा की दिखाइए, पांचवें छठे सातवें सारे राजा की आप थीम बनाइए, माधवराव सिंधिया। हाँ, तो आप चाहें तो स्टेट वाइज भी पकड़ सकते हैं, आप चाहें तो ग्वालियर स्टेट पकड़ लीजिए, ग्वालियर के सारा कलेक्शन कीजिए, और उसमें फिर हर सिक्का आपके कलेक्शन में होना चाहिए। फिर वो सिक्का चाहे 100 रुपये का मिल रहा हो, चाहे 1,00,000 रुपये का मिल रहा हो, बराबर, तो उससे आपको मज़ा आएगा, है ना। ये पहले तो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट लीजिए आपके कलेक्शन के लिए, अब इसका कलेक्शन बराबर करूँगा। थैंक यू। मैं आपका एक भी वीडियो नहीं छोड़ता। क्या बात है। हाँ, मेरा नाम दिनेश भोईर, थाना शाहपुर आसन गाँव से है। मेरे पास गांधी जी का, हाँ, सत्याग्रह का था, इंदिरा गांधी जी का था, लेकिन मैंने नीचे अंदर जाके देखा उसका कुछ अवेलेबल नहीं।
आप पहले जो सिक्के बेचना चाहते हैं वो उनसे खरीदने की बात करिए ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे मैं किसी सिक्के की वैल्यू आपको बता रहा हूँ 10 लाख रुपए, और अंदर मिल तो रहा है 10 लाख में, लेकिन खरीद कोई 1 लाख में भी नहीं रहा, ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं, मैंने दिखाया तो वो बोला 5 रुपए का, 5.5 रुपए आएगा, 6 रुपए आएगा। वो कितने में दे रहे हैं? नहीं, वो नहीं पूछा। तो आपको ये पूछना पड़ेगा, आप जितने भी लोग सिक्के बेचना चाहते हैं तो वो एग्जीबिशन में आते हैं, तो पहले जाके एग्जीबिशन में पता कीजिए कि वो सिक्का जो आप बेचना चाहते हैं वो मिल कितने में रहा है, तो आपको सच्चाई मालूम पड़ जाएगी कि हाँ ये सिक्का जो हम आज 1000 रुपये का या 5000 रुपये का समझ रहे थे एग्जीबिशन में ढेर लगा हुआ है और 50 रुपये में मिल रहा है। तो मेरा उद्देश्य आप लोगों को बुलाने का यही रहता है कि आप आएंगे तो आपको सच्चाई मालूम पड़ेगी कि जो सिक्के आप हजारों लाखों के समझ रहे हैं वो उतने वैल्यूएबल नहीं है, और कुछ ऐसे सिक्के हो सकते हैं जो आप ऐसे समझ रहे हैं कि पुराना से सिक्का है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हो सकता है वही हजारों लाखों का हो। तो आप एग्जीबिशन में ज़रूर आया कीजिए और अपनी आंखों से देखा कीजिए कि वहाँ पे कौन से सिक्के बिक रहे हैं, कौन से नोट बिक रहे हैं और किस रेट में बिक रहे हैं। आज देखो पीछे इतने सारे बच्चे आए हैं, लाइन लगी है देखो उधर पीछे तक, तो इतने बच्चे जब आए हैं और आज इनको जब ये नॉलेज मिलेगा कि सिक्के और नोट बिकते हैं और कौन से बिकते हैं कैसे कैसे सिक्के और नोट आए थे, तो ये इसमें से कई लोग भविष्य में बहुत अच्छे कलेक्टर बन सकते हैं। सर यूट्यूब में बनाया था कि इंदिरा गांधी का इतना रियल वैल्यू 5 लाख, मेरी कंपनी खरीद रहा है, इधर आओ, व्हाट्सएप नंबर दो। मैंने, आपका, मैंने बोला? नहीं, आपने नहीं बोला, लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद मैंने किसको व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया और मोबाइल नंबर भी नहीं दिया। मेरे पास ये खाली 3 दिखाने का है जी। वो आप देखो, ये स्टार वाला है 20 पैसे का। सर ये सभी नॉर्मल नॉर्मल है। ओके, आप इसको कलेक्शन में रखो और कलेक्शन को बढ़ाओ ना। इसको जब आप फोल्डर में लगाओगे, एल्बम में लगाओगे, फिर देखोगे, कई सिक्कों के साथ आपकी यादें भी जुड़ी रहती हैं। कोई आपके दादी ने दिए होते हैं, कोई पापा ने दिए होते हैं, कोई कहीं आपको ऐसी जगह से मिलते हैं, मंदिर से रिटर्न आते हैं, तो वो यादें भी आपके साथ जुड़ी रहती हैं। तो जब आप इन सिक्कों का एल्बम बनाओगे और देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, आपके कलेक्शन में एक नोट मेरी तरफ से। थैंक यू सर। थैंक यू।